अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मतलब जो प्रोफाइल पिक्चर होते हैं उसको अपडेट कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हर कोई जो आप देखते हो, जो मतलब एक्सपर्ट हो फेसबुक का, वो अपना पिक्चर जो है, प्रोफाइल पिक्चर जो है या कवर पिक्चर जो है वो अपडेट करता रहता है। तो अपडेट करने का फ़ायदा क्या होता है और अपडेट कैसे होता है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। सो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको ज़रूर समझ आ जाए। तो देखो भाइयों, मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों देखो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूँ, आपने अपने प्रोफाइल में आना है। प्रोफाइल में आने के बाद आपने क्या करना है, आपने जस्ट इस जो थ्री डॉट्स है इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे तीन डॉट्स पे आपने क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, चेंज प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करना है। देखो इससे पहले मैं चेंज नहीं करने वाला, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर आप देख सकते हो तो नेक्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख के आप मेरा पहले आईडी विज़िट करो, इसके बाद जो है प्रोफाइल पिक्चर विज़िट करो कि इसका फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। इससे मतलब जो इससे इंक्रीज़ होते हैं कि नहीं होते, मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको अपने प्रोफाइल पर, जो प्रोफाइल मैं अभी चेंज करने वाला हूँ, देखो फ़ोटोज़ पे मैं क्लिक करता हूँ। फ़ोटोज़ पे क्लिक करने के बाद मैं अपलोड फ़ोटोज़ पे क्लिक करता हूँ। वहाँ से आपको जो पिक्चर मैं अभी अपलोड कर मतलब जो जो पिक्चर मैं अभी अपडेट करने वाला हूँ, अपलोड नहीं अपडेट करने वाला हूँ, उसको मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि इस पर कितने लाइक्स है। और आप उस वीडियो को देखने के बाद जो है दो तीन दिन बाद भी मेरे लाइक्स जो है वो चेक कर सकते हो कि इससे इंक्रीज़ होते हैं कि नहीं होते हैं, वो भी रियल लाइक्स। देखो मैं अभी रमज़ान है, मैं इस डीपी को फ़िलहाल लगा लेता हूँ आपके सामने को, इस डीपी को मैं लगा लेता हूँ। देखो ये अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ। इस पर 176 लाइक्स है तकरीबन, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ तो मेरे लाइक्स जो है मतलब खुद ब खुद जो है इंक्रीज़ होने लगेंगे। क्यों इसका क्यों मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले चेंज पहले अपडेट करूँ, चेंज प्रोफाइल पिक्चर पे आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अपने फ़ोटो अपलोड्स एल्बम, अपने एल्बम एल्बम तक आना है। एल्बम एल्बम में फिर प्रोफाइल पे क्लिक करना है। आपने प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपने आप जो जो पिक्चर अपडेट करना है, जो भी पिक्चर आपने अपडेट करना है, जो पिक्चर आप चाहते हो कि मैं इसको अपडेट करूँ, तो आप वो पिक्चर अपडेट कर सकते हो। जैसे कि मैं इस पिक्चर को फ़िलहाल अपडेट करता हूँ क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान के लिए ये पिक्चर जो है वो अच्छा है अपडेट करने के लिए। तो दोस्तों ये पिक्चर मैं अपडेट कर देता हूँ। और इसके बाद जो एक कोने में यूज़ का निशान यूज़ लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखो मेरी डीपी जो है वो चेंज हो गई है, बल्कि उसके वही पुराने लाइक्स होंगे जो पहले थे। जैसे कितने थे, 176 थे तकरीबन। अभी मेरा पिक्चर जो है वो चेंज हो गया है, ये 5 मिनट से गो इसलिए बता रहे क्योंकि मेरा फेसबुक जो है वो फेसबुक ऐप जो है वो अपडेट नहीं है, ओल्ड वर्जन में है। अगर मैं इसको अपडेट करूँ तो ये मसला ख़त्म हो जाएगा। अभी देखो आपके सामने कुछ एक दो और इंक्रीज़ हो गया है। जो फ्रेंड अभी मेरे ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, वो ऑनलाइन होके उसको मेरा पिक्चर जो है वो न्यूज़ फीड में आएगा और उसको लाइक करेगा। तो इसी वजह से आप जो है अपने प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट करने से आप अपने प्रोफाइल पिक्चर के लाइक जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो भी रियली मेथड से, रियल तरीके से। आप जो है अपने फेसबुक पर जो प्रोफाइल पिक्चर है उसके रियल लाइक जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो तो दोस्तों जैसे कि फेसबुक का जो भी फेसबुक आईडी का जो भी प्रोफाइल या कवर पिक्चर आपने अपडेट करना है वो आप इजीली अपडेट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए इस पर क्लिक करने के बाद आप अगर कवर फोटो जो है वो आपने अपडेट करना है तो आप वो भी अपडेट कर सकते हो और प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हो। तो इसका फ़ायदा होता है कि इस वजह से आपके लाइक्स जो है वो उस पिक्चर पर ज़्यादा आएंगे, रियल लाइक्स जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।